केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बोरियो थाने में पदस्थित रहे एएसआई मोहनलाल टुडू के आश्रित पुत्री मनीषा टुडू को अनुकंपा पर बाल पुलिस के रूप में बहाल किया गया। आज अंतिम रूप में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बहाल कर दी गई है। एसपी कार्यालय में एसपी नौशाद आलम के सामने बाल पुलिस उम्मीदवार मनीषा का लंबाई और वजन की मापी गई। आवश्यकता कागजी प्रक्रिया को पूरा किया गया। दरअसल बोरियो थाने में पदस्थापित एएसआई मोहनलाल टुडू का बीते 23 अप्रैल 2023 को लंबी बीमारी से निधन हो गया था। लंबे समय से उनकी बड़ी पुत्री मनीषा टुडू को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रतिक्रिया काफी धीमी से चल रही थी। इस मामले में एसपी नौशाद आलम ने तत्परता लिया और कार्य को गति देते हुए एक महीने के भीतर दिवंगत एएसआई की पुत्री को 15 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार को बहाल कर दिया है। और अंत में पूरे डेढ़ वर्ष बाद दिवंगत एएसआई की पुत्री को बहाल कर दिया गया। तो वहीं एसपी नौशाद आलम को नव नियुक्त बाल पुलिस मनीषा की मां फुलमणि मुर्मू ने बताया कि अब तक पेंशन शुरू नहीं हो पाया है। इस पर एसपी साहब ने पेंशन शाखा के प्रभारी को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और अति शीघ्र पेंशन शुरू करने की बात कही। तो वहीं एसपी साहब ने फुलमणि मुर्मू को जल्द ही पेंशन शुरू कराने का आश्वासन दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।